फुल डोज दे दिया गया है कि ये दर्द साल भर जाएगा, साल भर क्या उम्र भर नहीं जाएगा। जब किसी को देखो नंगे सर वाला, उसको कहो चलाओ बुखारी देख, आओ देख हरम की नमाज देख। मालूम हुआ कि ये सब अंग्रेजी औलाद है, अंग्रेजों के एजेंट है, मुसलमानों में फूट पैदा करने के लिए हदीस के नाम पर नौजवानों को बहका रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। मेरे भाइयों, और तो औरत और मर्द की नमाज में फर्क समझ में आया नहीं आया। और सुनो, मैं किस्सा सुना रहा था, एक नौजवान 35 साल की उम्र का, 5 साल सऊदीया में रह के आया, गया था यहां से तो शादी नहीं हुई थी, वहां से आया तो शादी का प्रोग्राम बना। तो उस नौजवान ने सऊदीया में रहकर थोड़ा बहुत दीनदारी आ गई, तो उसने अपने वालदैन से कहा कि शादी आप लोग करेंगे तो लड़की नमाजी दीनदार होना चाहिए। तो वालदैन ने दीनदार लड़की तलाश किया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। लड़की बेचारी मायके से ससुराल आई, शौहर भी बड़ा खुश और लड़की भी बहुत खुश। वो खुश के मेरा शौहर सऊदी रिटर्न है, बड़ी पैसा कमाएगा, बड़ी ऐश मौज से रहूंगी। ये बड़ा खुश था कि मैं हदीस पर अमल करने वाला नमाजी दीनदार, मेरी बीवी भी मिली तो ऐसा ही। लेकिन उसको पता नहीं था कि बीवी तो हनफी है, मियां बीवी में नमाज में मसले मसाइल में बहस होने लगी। तो अभी तो चंद ही दिन हुए थे शादी को, इब्तदाई दर्जे की बात थी, कोई ज्यादा टेंशन नहीं फैला। चंद दिनों के बाद बीवी को आ गया जो हर औरत को आता है, नहीं समझे बीवी वाले नहीं हो, अच्छा खुदा तुमको वक्त से पहले बालिग कर दे, जैसे गैर मुकल्लिद लोग वक्त से पहले मुहद्दिस हो गए हैं। तो बीवी को हैज आ गया, नापाकी का जमाना शुरू हो गया, बीवी ने नमाज छोड़ दिया। ये तो चला जाता था मस्जिद, बीवी घर में नमाज पढ़ती थी, एकाएक टाइम इसको समझ में नहीं आया कि बीवी ने नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये समझा कि कमरे में पढ़ लिया होगा। लेकिन वो पढ़ती कैसे, वो तो नापाक थी, ऐसी हालत में नमाज कैसे पढ़ती। तो एक टाइम के बाद दूसरे टाइम उसने नजर रखना शुरू किया, गाइड करने लगा कि नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, ऐसा लगा कि उस टाइम नहीं पढ़ा। तो दूसरे टाइम इसने निगाह रखा, बीवी ने नमाज ही नहीं पढ़ा। जब नमाज नहीं पढ़ा तो इसका पारा चढ़ गया, टेंशन में आ गया। उसने कहा नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, तो उसने कहा ठीक है पढ़ती हूँ नमाज पाबंदी से पढ़ती हूँ, छोड़ती नहीं। उसके बाद दूसरे टाइम फिर नहीं पढ़ा बीवी ने, तो पहले टाइम तो समझाया था इशारे से, अब की बार कहने लगा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है। तो बीवी कहने लगी कि मैं जिस हालत में उस हालत में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कैसे नहीं पढ़ी जाती है, नमाज किसी हालत में किसी मुसलमान मर्द औरत से माफ नहीं है। अब टेंशन बढ़ गया और सोचने लगी कि सऊदीया में क्या पढ़ के आया है भाई, तो महाजाहिल मालूम होता है, औरत इस हालत में कैसे नापाकी में नमाज पढ़ेगी। तो बीवी ने उसको इशारे से समझाया कि मैं सही हालत में नहीं हूं। तो उसने कहा तुम किसी हालत में हो, नमाज पढ़ना है, नमाज माफ नहीं है, शरीयत का मसला है, किसी से नमाज माफ नहीं है। तो औरत को भी गुस्सा आया, कहने लगी कि आप आदमी हैं क्या हैं आप, अरे मुझको आ रहा है। तो कहने लगा कि आ रहा हो चाहे जा रहा हो, नमाज तो पढ़नी ही पड़े।
अब इधर से दबाव बढ़ा रहा है और वो टेंशन में आ रही है। उसने कहा सुनिए, हैज की हालत में हूँ, इस हालत में नमाज माफ है, नहीं पढ़ी जाती। कहा रे तू मुकल्लिद, तेरा बाप मुकल्लिद, तुम लोग ईमान के पीछे चलते हो, हदीस में तो साफ लिखा हुआ है किसी हालत में कोई हो नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको हैज आ रहा है तब भी अल्लाह के नबी का हुक्म है। देखो तिर्मिजी में हदीस है, सरवर आलम सल्लम फरमाते हैं ला तुकबल सलातु हाइज़िन इल्ला बिखिमार, हैज वाली औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं होगी। तो हैज भी आ रहा है तो इससे कहो ओढ़नी लगा के पढ़, अब कबूल होगी। हदीस में आता है ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं होगी हैज वाले की नमाज, यानी ओढ़नी से कबूल होगी तो ओढ़नी लगा के पढ़। तो उसने कहा ओढ़नी क्या, लिहाफ भी ओढ़ के पढ़ूंगी तो नहीं होगी। अब मियां बीवी में मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया। उसने कहा तू मेरी नहीं मानेगी, तू तो इमाम ही की मानेगी, हदीस की सुनेगी नहीं, चली जा मैके। अब बेचारी ये मैके चली आई तो मैके आकर के इसने और औरतों से पूछना शुरू किया कि मुझे ही गलती हो गई, मुझसे ही गलती हो गई, क्या वाकई ऐसी हालत में नमाज पढ़ना चाहिए? सब औरतों ने कहा कि तेरा शौहर तो पागल मालूम होता है, और किसी के शौहर नहीं है, इस हालत में कहीं नमाज पढ़ी जाती है? इस हालत में नमाज औरत का फर्ज नहीं है, माफ है। कहा रे भाई आप लोग हमको समझ बूझ करके मसला बताइए, मेरा शौहर बड़ी हदीस जानता है, डायरेक्ट हदीस पढ़ता है। तो औरतों ने कहा कि देखो हम लोग तो खाना पकाना जानते हैं, हदीस नहीं जानते हैं, मदरसे वालों से रब्ता करो, जैसे यहाँ मदरसा अनवालू मैं मौलाना धरी है तो वहां भी कोई शेखुल हदीस साहब थे। तो औरतों ने मशवरा किया कि भाई हदीस की जब बात है तो हम लोग हदीस क्या जानेंगे, हम लोग तो आइटम खाना बनाने का जानते हैं, कैसे कैसे कौन कौन आइटम बनता है, हदीस तो हम नहीं जानते। ये मसला आखिर तो हदीस कुरान में होगा तभी नए इमाम लोगों ने बताया है, इतने दिन से चला आ रहा है मसला तो दलील बेवजह थोड़ा ही होगा। तो उसने जाकर शेखुल हदीस साहब से दर्दे से पूछा कि देखिए औरत लोगों को जब नापाकी के अय्याम होते हैं, हैज की हालत में होती हैं, तो हम लोगों को नमाज शरीयत की रोशनी में, हदीस कुरान की रोशनी में उस वक्त पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो शेखुल हदीस साहब कहने लगे कि तू इतनी बड़ी हो गई, बालिग, शादी भी तेरी हो गई, अभी तक तुझको इतना भी मसला मालूम नहीं है, औरतों को ऐसी हालत में नमाज नहीं पढ़नी है, ये तो चारों ईमान का मुत्तफका फैसला है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, कौन ईमान को तू मानती है? तो वो कहने लगे हुजूर इमाम तो एक तरफ, हम तो शौहर को मानते, मेरा शौहर इमाम को नहीं मानता। शेखुल हदीस साहब कहने लगे तेरा शौहर पागल उगल है क्या? कर नहीं पागल नहीं है, सऊदी रिजेक्ट है। सऊदीया से आया है तो समझ गए कि तो टेढ़े खोपड़े का है, सीधे लाइन से तो समझेगा नहीं, उसको तो घुमा के समझाना पड़ेगा। तो शेखुल हदीस